एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 पर आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज फिर मैं एसएसए और जीओबी मद का वेतन अपडेट लेकर हाजिर हूं। आइए देखते हैं खगड़िया जिले एसएसए मद से वेतन पाने वाले शिक्षकों का विपत्र बैंक में जमा हो चुका है। इस सप्ताह में इसका भुगतान हो जाएगा। वहीं नालंदा जिला से प्राप्त सूचना अनुसार चरण पंचायत का चेक अभी बैंक जा रहा है, शाम तक इसका भुगतान होने की संभावना है। वहीं शेष एसएसए मद से पाने वाले शिक्षकों का वेतन विपत्र पहले ही बैंक में जा चुका है, उसका भी आज भुगतान होने की संभावना है। वहीं वैशाली जिला से एसएसए मद से जिस प्रखंड का विपत्र जिला में प्राप्त हो चुका था उनका भुगतान के लिए अभी विपत्र भेजा जा रहा है। शेष जिनका जमा नहीं हुआ है अविलंब जमा करा दे, अन्यथा की स्थिति में वेतन भुगतान लंबित के खुद जिम्मेवार होंगे। सहरसा जिला से प्राप्त सूचना अनुसार वेतन भुगतान की बात पहले ही सप्ताह से चल रही है, तो इस राशि के अभाव में वेतन बाधित था। अब जिला को राशि प्राप्त हो चुका है, जल्द ही इसका भुगतान होगा, लेकिन अभी कर्मी निगरानी फोल्डर की वजह से पटना गए हुए हैं। 1 से 2 दिन में आएंगे, उसके बाद तुरंत भुगतान की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। उम्मीद है कि इसी सप्ताह में इसका भुगतान हो जाएगा। वहीं मधुबनी जिला से प्राप्त सूचना अनुसार एसएसए और जीओबी मद दोनों का भुगतान इस सप्ताह में संभव नहीं होगा। स्थापना कार्यालय से कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ है, इसी वजह से वेतन भुगतान लंबित है, तो इसका भुगतान एसएसए और जीओबी दोनों मद का भुगतान अगले सप्ताह में संभव हो पाएगा। वहीं रोहतास जिला से प्राप्त सूचना अनुसार सभी प्रखंड के विपत्र नहीं आने की वजह से एसएसए मद से भुगतान अभी लंबित है, लेकिन हड़ताल अवधि का विपत्र तैयार किया जा रहा है। आज शाम तक उसका तैयारी की प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा, उसके पश्चात कल वेतन भुगतान के लिए हड़ताल अवधि विपत्र बैंक भेज दिया जाएगा और इसके बाद मई माह भुगतान की प्रक्रिया चालू होगी। वहीं गोपालगंज जिला से प्रयास किए हैं सूचना लेने का, लेकिन वहां से किसी बंधु के द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया है, इसलिए वहां से सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। वीडियो में इतना ही, तब तक ले आप सभी मेरे चैनल पर बने रहें। अन्य जिला से भी मैं वेतन अपडेट लेने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे जैसे अपडेट मिलेगा सभी जिला का अपडेट देने का प्रयास करूँगा। जैसे पूर्णिया हो गया, औरंगाबाद, सुपौल कॉन्टेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। इन सभी साथियों से निवेदन है कि तब तक चैनल पर बने रहे, मैं सभी जगह का अपडेट देने का प्रयास करूँगा। और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।